नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुल विभाजित संख्याओं के दो टाइप के सवाल को हल किया, तो आज की इस वीडियो में हम तीसरे टाइप से लेकर अंतिम टाइप तक के सवाल को हल करेंगे। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं कि इस सवाल को हम आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। तो टाइप थ्री का सवाल है कि एक से लेकर 10,000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 12 से विभाजित हैं। एक से लेकर 10,000 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 8 और 12 से विभाजित होंगी। तो पिछले वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे उसमें ये था कि एक से लेकर 1,000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 5 से विभाजित होंगी। तो हमने बताया था कि अंतिम वाली संख्या को आपको पकड़ना है, अंतिम वाली संख्या को आप पकड़ेंगे और सीधे उसमें जिस संख्या से कह रहा उससे भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 × 10 ये कट गया, 0 0 2 0 बढ़ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी अगर ऐसे सवाल आते हैं तो अंतिम वाली संख्या को पकड़ना है और इस संख्या से उसमें भाग दे देना है, जितनी बार भाग जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने पिछली वीडियो में इसका हमने डिटेल में अध्ययन कराया है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को जाकर जरूर देखें। आइए अब इस सवाल को समझते हैं। कह रहा है कि एक से लेकर 10,000 तक, एक से लेकर 10,000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 12 से विभाजित हैं, 8 और 12 से विभाजित हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है कि 8 से विभाजित होने वाली और 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। तो 8 से विभाजित होने वाली यानी 8 का टेबल, 8 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक। 12 से विभाजित होने वाली कौन होगी, 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि 8 8 से तो कट रहा है लेकिन 12 से नहीं कट रहा है, 12 12 से कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा है, उसी तरह 16 8 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा। अब देखिए 8 से 24 कटेगा और 12 से भी 24 कटेगा, यानी 24 जो है 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, 24 8 से भी कट रहा है 12 से भी कट रहा है, और 48 भी देखिए 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। यानी जो 24 है वो 8 और 12 का क्या है, एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है। देखिए दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा है, ये भी है लेकिन ये सबसे छोटा है, तो ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, तो ये हो गया लसक। यानी इस लसक, देखिए लसक ये लस हो गया 24, अब इसका टेबल हम पढ़ रहे हैं। देखिए 24 कटेगा, 48 कटेगा और इसके टेबल में जितनी संख्याएं आएंगी वो कटती जाएंगी। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि अगर आपसे ये पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले 8 और 12 दोनों संख्याओं से कटने की बात करें तो आपको तुरंत 8 और 12 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है, एलसीएम यानी लस क्या निकाल देना है, लस। तो 8 और 12 का लसा आप निकालेंगे तो हो जाएगा 24, 8 और 12 का लसा क्या हो जाएगा, 24। यानी 24 से जितनी संख्याएं कटेंगी वो संख्या 8 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। तो देखिए 24 × 24, 24 × 48, 24 × 72, 24 × 96 और 24 × 5 = 120। यानी 24 का टेबल अगर हम पढ़ने लगें तो ये जितनी संख्याएं आएंगी ये 8 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी, ठीक। तो अब हमको 8 और 12 को नहीं, अब 24 से हमको पता करना है कि 1 से लेकर 10,000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 24 से कटेंगी। तो हम बताएं आपको अंतिम वाली संख्या पकड़िए, 10,000 को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे और इसमें 24 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 24 से हम भाग देते हैं तो देखिए ये तीन संख्याएं हमको लेनी पड़ेंगी, तो 24 × 4 क्या होता है, 96, तो 4 बार भाग जाएगी, 10 में 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 24 × 48 होता है, तो एक बार भाग जाएगी 24 × 24, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 उतार लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए 160 आ गया। अब 24 का पारा हम पढ़ेंगे 6 बार, 24 6 होता है 144, 6 बार भाग जाएगी
दस में से चार घटा देंगे छः बचेगा, और यहाँ पे पाँच में से चार घटाएंगे तो एक बचेगा। हमको शेष से कोई मतलब नहीं होता, हमारी भाग गई 416 बार, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 416। यानी एक से लेकर 10,000 तक ऐसी 416 संख्याएं जो 8 से भी कटेंगी और 12 से भी कटेंगी। अगर इस सवाल को आप तुरंत एकदम तुरंत लगाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर पूछा है कि 8 और 12 तो तुरंत 8 और 12 का आप एलसीएम निकाल दीजिए, तो 8 और 12 का लसा निकाल दीजिए, 8 और 12 का लसा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इस अंतिम वाली संख्या को पकड़िए, 10,000 को आप पकड़ लीजिए और 24 से क्या करिए भाग दे दीजिए, और जब 24 से भाग देंगे तो जितनी बार जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, तो 416 बार जाएगी यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसी संबंधित एक अगले सवाल को हल करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है कि एक से लेकर 5,000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 10 और 25 से विभाजित होंगी, तो क्या कर रहा है एक से लेकर 5,000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 25 से विभाजित होंगी। तो हम पिछले सवाल में आपको अच्छे से समझा चुके हैं कि 10 और 25 दोनों से विभाजित होने की बात कर रहा है, तो इससे वही संख्याएं दोनों से विभाजित करेंगी जो दोनों का लसा होगा, यानी इन दोनों की लसा जो होगी होगा वो इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा। तो आप 10 और 25 का लसा निकाल लेंगे, आप लसा निकाल लेंगे तो इसका लसा आ जाएगा 50, क्योंकि 25 दूना 50 और 10 पचे 50, इसका लसा 50 आ जाएगा। चलिए अब जब लसा 50 आ गया, इसका लसा आ गया 50, ठीक इसका लसा आ जाएगा 50। अब हम बता चुके हैं कि एक से लेकर अगर अंतिम संख्या तक पूछे तो आपको अंतिम संख्या ले लेनी है, तो अंतिम संख्या हम ले लिए चलिए 5,000। और इस तरह के प्रश्न में पहले लसा निकाल लेंगे, लसा जितना आएगा उसी से भाग दे देंगे, तो 5,000 में हम 50 से भाग दे देंगे, तो 50 से कम हो गया 50, ये कट जाएगा, 0 दो बार है तो दो बार यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। यानी 100 संख्याएं ऐसी होंगी जो 10 और 25 से पूरी पूरी कटेंगी एक से 5,000 के बीच में। एक सवाल आइए और करते हैं। देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 8 से विभाजित होंगी। तो ध्यान देना है कि 4 अंकों की संख्या आपको लेना है केवल, तो 4 अंकों की संख्याएं हम ले लेते हैं 1, 2, 3। देखिए ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहाँ तक है 1, 2, 3, 4। अब देखिए अब इसके एक संख्या अधिक बढ़ेंगे तो 5 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, और इससे एक संख्या कम होंगे तो ये 3 अंकों वाली संख्या यहाँ पे बन जाएगी। तो कह रहा है कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 8 से पूरी पूरी कटे। तो पहली बात तो आपको इसके और इस यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को ज्ञात करना है। दूसरी कंडीशन है कि वो संख्या 5 और 8 से दोनों से कटनी चाहिए। तो हम बता चुके हैं कि 5 और 8 दोनों से कटने की बात करेगी तो तुरंत इसका हम लसा निकाल लेंगे, और 5 और 8 का लसा दोनों न तो ये इससे कट रहा है न तो ये इससे कट रहा है, तो इसका लसा हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे 5 × 8 = 40, इसका लसा हो जाएगा 40, ठीक। अब आपको ये बताना है कि 1,000 और 9,999 में 40 से कितनी संख्याएं कटेंगी। तो हम आपको बता चुके हैं कि पहले आप एक से लेकर 9,999 निकाल लीजिए, और फिर एक संख्या इसमें कम करके निकाल लीजिए, ठीक। तो आप पहले एक से लेकर 9,999 तक की संख्याओं को निकाल लेंगे, और इसमें से आप घटा देंगे एक से लेकर, इससे एक कम कर लेंगे तो एक से लेकर 999 तक की संख्याओं को निकाल देंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले 9,999 में हम 40 से भाग दे देते हैं, अंतिम को पकड़ना है भाग देना है, और इसमें 999 में हम क्या करेंगे 40 से भाग दे देंगे। तो चलिए हम भाग देते हैं, 40 दूना के क्या हो जाएगा 80, 9 में से 8 एक हो जाएगा, 40 चौको 160 होता है, 9 में से 6 3 हो जाएगा, फिर 9 उतार लेंगे, फिर 4 × 9 = 36 होता है तो 360 हो जाएगा, 9 उतारेंगे 9 में 6 + 3 हो जाएगा। तो देखिए ये भाग 249 बार गई, इसको भी हम कर लेते हैं, 40 दुना के क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 9 उतार लेंगे, 9 में से 8 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और 40 चौको 160 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और 9 में 6 + 3, ठीक। अब देखिए एक से लेकर 9,999 तक 249 संख्याएं हैं, तो टोटल हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे
एक से लेकर 9999 तक 249 संख्याएं मिली हमको, लेकिन हमको तो 1000 से 9999 तक निकालना, तो इसके पहले वाली संख्याओं को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो इसके पहले वाली संख्याएं कितनी हैं, 24 हैं, तो इसको हम यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और 2, कुल संख्याएँ हमको 225 संख्याएँ मिलेंगी। अगर इस सवाल के आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इससे डायरेक्ट भी हम हल कर सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले अंतिम वाली संख्या को ले लेना है, 9999 को ले लेना है, इसमें हमको क्या करना है, 40 से भाग दे देना है माइनस, इससे एक कम ले लेना है, 999 में 40 से भाग दे देना है, तो इसका आ जाएगा 249 माइनस इसका आ जाएगा 24, इसको घटा देंगे तो 225 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगली टाइप का जो सवाल है, इसकी शब्दावली को हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम शब्दावली को समझेंगे नहीं तो हमारे सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक से लेकर 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो चार या पाँच। अब देखिए उसमें और था, जब और रहेगा तो दोनों का लस से इसमें भाग दे देंगे, लेकिन अगर कहेगा चार से कटे या पाँच से कटे, तो ध्यान देना है चार से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, ठीक। 5 से कौन कौन कटेंगी, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 5 25। अब ध्यान दीजिए, हमको 4 से कटे या 5 से कटे दोनों संख्या को हमको इसमें से लेना है। तो देखिए हम ले रहे हैं, हम इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 20 को लेंगे यहाँ से, भाई 20 को भी तो हमको लेना है, तो ये 20 दो बार आ जा रहा है, एक बार 4 में भी आ जा रहा है और एक बार 5 में भी आ जा रहा है। तो इसी 20 को हमको एक बार निकालना है, क्योंकि हम एक ही संख्या को दो बार तो लेंगे नहीं, तो जो दो बार ये संख्या आ जा रही है, इसी संख्या को हमको क्या करना है, बाहर करना है, एक संख्या को बाहर करना है। तो वो संख्या बाहर कैसे होगी, ध्यान दीजिए, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा, ठीक। तो अगर एलसीएम से कितनी संख्या इसमें कटेंगी वो अगर हम बाहर निकाल दें, तो ये एक 20 बाहर हो जाएगा, यानी 20 आएगा, फिर इसके आगे 40 आएगा, तो 40 भी देखिए दोनों से कटेगा, तो एक 40 को हमको बाहर निकालना होगा, तो 20 का दूसरा गुणक क्या होगा, 40 होगा। तो हमको इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक से लेकर 400 की बात कर रहा है, तो सबसे पहले 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, 4 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, 4 5 का लसा क्या हो जाएगा, 20। अब ध्यान देना है हमको क्या करना है, कि हमको 400 में 4 से कटने वाली संख्या निकालना, तो ध्यान दीजिए 400 में 4 से कितनी संख्याएं कटेंगी, तो इस 400 में हम 4 से भाग दे लेंगे, चलिए 400 में 5 से कितनी संख्याएं कटेंगी, तो इस 400 में हम 5 से भाग दे लेंगे, पता चल जाएगा हमको, ठीक। अब हमको इसमें से माइनस करना है, क्या चीज़ माइनस करना है, कि 400 में 20 से कितनी संख्याएं कटेंगी, वही हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ध्यान दीजिए हम 20 से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रिपीटिशन हो रहा है, चार जैसे 20 इसमें भी आएगा, 20 इसमें भी आएगा, तो एक 20 का गुणज, जो गुणज है हमको, गुणक है, उसको हमको निकालना है, ठीक। चलिए तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 100 हो जाएगा, प्लस 4 से इसमें भाग देंगे 5 से, तो 5 बटे 40 80 हो जाएगा, माइनस 20 दूना 40 20 हो जाएगा, ठीक। तो अब 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, माइनस 20, 180 में से 20 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 160। यानी इस तरह के सवाल में जब यह वाली स्थिति आ जाए, तो हमें ध्यान देना है कि हमको इस संख्या में 4 से दोनों संख्याओं से भाग देंगे, 4 से भी भाग देंगे, 5 से भी भाग देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और उसमें से 4 और 5 के एलसीएम को बाहर निकाल देंगे। वो क्यों बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो 20 है, वो 20 का जो गुणज है वो दो बार आ रहा है, उसी को हमको एक बार उसमें से निकालना है। इस टाइप का एक अगला सवाल करते हैं, जो आपको एकदम स्पष्ट इस सवाल को समझने में मदद करेगा। 1 से लेकर 3000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 15 या 20 से पूरी 15 या 20 में से कम किसी एक से अवश्य कटें। तो ध्यान दीजिए 15 से कटने वाले निकाल लेंगे आप, 20 से कटने वाले निकाल लेंगे, ठीक। अब 15 और 20 दोनों से कटने वाली जो संख्याएं होगी उसको इसमें से हमको क्या कर देना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले 15 और 20 का आप लसा निकाल लीजिए, निकालेंगे लसा, तो 15 और 20 का लसा हो जाएगा 60।
अगर आपको लहसुन निकालने का तरीका नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम लहसुन से संबंधित वीडियो भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो 15 और 20 का लहसुन हो जाएगा 60। अब आइए यहाँ पे सवाल पे, 3000 में 15 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, तो 3000 में हम 15 से भाग दे लेंगे। चलिए ठीक, 3000 में 20 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो 3000 में हम 20 से भाग दे लेंगे। ठीक, अब इन दोनों को हम जोड़ दिए, अब इसमें से हमको लहसुन वाली संख्या निकाल लेना है, तो 3000 में हम लहसुन वाली संख्या निकाल लेंगे। तो लहसुन 60 है, तो 60 से कटने वाली कितनी संख्या है उसी को हमको क्या करना है, निकाल लेना है। तो 15 दुना के क्या होता है 30, 200 बार जाएगी भाग, 20 देखिए ये 15 ये 150 बार भाग जाएगी। ठीक, माइनस अब 6 5 क्या होता है 30, ये 50 बार भाग जाएगी। ठीक ना, चलिए आप भाग करके देख लीजिएगा। अब 200 में 150 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 350, और इसमें से 50 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 300। यानी 300 संख्याएं होंगी जो कम जो 5 और 20 में से कम किसी न किसी एक से जरूर कटेंगी। हम 50 इसलिए निकाल रहे हैं इसको क्योंकि इसमें 60 से इसमें भी कटेगा, 60 से इसमें भी कटेगा, तो एक 60 को हमको बाहर करना है, इसीलिए ये 60 को हम निकाल रहे हैं। जो अगली टाइप है ये देखिए एकदम सिंपल सा है कि 1 से लेकर 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 में से किसी से विभाजित न हो। तो अभी हम इसके पीछे निकाले कि 4 या 5 में से कम किसी एक संख्या से विभाजित जरूर हो। अब इसमें करें कि किसी से विभाजित ना हो, तो सबसे पहले विभाजित होने वाला आप निकालेंगे, जितना आएगा पूरी संख्या में से विभाजित वाला घटा देंगे तो किसी से न कटने वाली संख्या आपको मिल जाएगी। तो ध्यान देना है कि 1 से लेकर कहाँ तक की बात कर रहा है, 2000 तक की बात कर रहा है। चलिए ठीक है, चार या पाँच में से कम किसी एक से विभाजित हो पहले निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले चार और पाँच का हम क्या निकालेंगे, लहसुन निकालेंगे। 4 और 5 का लहसुन हो जाएगा 4 5 20, ये लहसुन हो गया 20। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे 4 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 2000 में हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, प्लस 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 2000 में हम 5 से भाग दे देंगे, माइनस अब 4 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या यानी 20 से दे लेंगे, तो 2000 में हम 20 से भाग दे लेंगे। ठीक, चलिए अब हम दे रहे हैं तो 4 5 20, 500 बार भाग जाएगी, 5 6 20, 400 आ जाएगा, माइनस 200 से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 2 1 2 100 बार। ठीक, अब 500 में 4 जोड़ देंगे तो 900, और 900 में से 100 घटाएंगे तो हो गया 800। यानी 800 संख्या ऐसी हैं जो कम से कम 4 या 5 से विभाजित होंगी, 4 या 5 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। 800 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से विभाजित होंगी, तो न विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, न विभाजित होने वाली संख्याएं ध्यान दीजिए, कुल संख्या कितनी है 2000, और 2000 में 800 संख्याएं क्या हो रही हैं, कट रही हैं, तो कितनी संख्या नहीं कटेंगी, घटा देंगे हम, 10 में से 8 जाए 2 और 1, यानी 1200 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 या 5 में से किसी से भी नहीं कटेंगी। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेंगे जो टाइप नंबर 4 है, और उसके बाद कुल संख्याओं में से उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से संबंधित एक और सवाल को हम देख लेते हैं कि 1 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 8 में से किसी से विभाजित ना हो। तो सबसे पहले हमको 2 या 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात कर लेना है। तो देखिए 2 8 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले लहसुन निकालेंगे, लहसुन 2 और 8 का हो जाएगा 8। ठीक, चलिए अब हम 800 में विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात करेंगे, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 800 में हम क्या करेंगे अंतिम वाले में 2 से भाग देंगे तो 2 से कटने वाले निकल जाएंगी। ठीक, 800 में 8 से भाग दे देंगे तो 8 से कटने वाले निकल जाएंगे, माइनस अब 800 में हम 8 से भाग दे देंगे तो फिर 8 से कटने वाली संख्याएं निकल जाएंगी। ध्यान दीजिए तो 8 ये देखिए 2 6 को क्या हो जाएगा 8, ये 400 हो जाएगा, अब 8 से भाग देंगे तो 100 बार जाएगी, इस 8 से भाग देंगे तो 100 बार जाएगी। तो चलिए 4 में 100 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, 5 में से -100, 500 में से 100 घटाएंगे तो हो जाएगा 400। यानी 400 संख्या ऐसी होंगी जो 1 से लेकर 800 में
विभाजित होंगी, इन संख्याओं से क्या होंगी, विभाजित होंगी। हमको निकालना है नौ विभाजित होने वाली संख्याएं, नौ विभाजित होने वाली संख्याएं, नौ विभाजित होने वाली, तो हम पूरी संख्या 800 है, इसमें से हम 400 जो विभाजित हो रही है उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 400। ठीक, जो ये वाला सवाल है, ये इस टाइप का सवाल है, ये बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या कर रहा है कि 1 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हों परंतु 6 से विभाजित न हों। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लगा पाएंगे। 1 से लेकर 800 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से तो कटें परंतु 6 से नहीं कटना चाहिए। ठीक, अब देखिए पहले इसको हम समझ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24। देखिए ये संख्याएं 4 से तो कट रही हैं लेकिन 6 से ये संख्याएं नहीं कटनी चाहिए। तो चलिए 6 एकम 6, 6 दुना 12। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए ये भी संख्या 6 से कट गई, ये भी संख्या 6 से कट गई। अब हमको कह रहा है कि 4 से कटना चाहिए लेकिन वो संख्या 6 से नहीं कटना चाहिए। तो ये जो संख्या 6 से कट रही है वो देखिए 12 कट रहा है, 24 कट रहा है, और 12 देखिए क्या है, 4 और 6 का क्या है, लस, 4 और 6 का है लस 12। अगर 12 से कटने वाली संख्याओं को बाहर कर दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं वो संख्या निकल जाएंगी जो 6 से न कटें। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमारा काम है कि 4 और 6 का लस निकाल लेंगे, 4 और 6 का लस निकाल लेंगे, 4 और 6 का लस हो जाएगा 12। ठीक, तो सबसे पहले 4 से कटने वाली संख्याएं निकालना है तो हम निकाल देते हैं। हम अंतिम संख्या ले लेंगे 800, 800 में हम 4 से भाग दे देंगे माइनस। अब इसमें से हमको वो वाली संख्या निकाल देना है, इसमें से हमको वो संख्या निकाल देना है जो 6 से भी कट सकती हैं। तो 6 से कौन कौन संख्याएं कट सकती हैं इसके टेबल में, जो इन दोनों का लस होगा, तो हम 800 में इसका लस से भाग दे लेंगे। ठीक, चलिए तो इसमें भाग देंगे तो 4 दुना 8 200 हो जाएगा। ठीक, 800 में हम 12 से आप भाग दे लेंगे, आप भाग दे लेंगे, भाग जाएगी 66 बार, क्योंकि भाग देने में वीडियो लंबी हो जाएगी। 10 में 6 घटाएंगे 4 बचेगा, फिर 9 में 6 घटाएंगे 3 बचेगा, और यहाँ 1 बच जाएगा। यानी 134 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से तो कटेंगी लेकिन 6 से नहीं कटेंगी। हम लस से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो इसके लस वाली संख्याएं जो 4 से कट रही हैं उसी को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। आइए एक और सवाल समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को एकदम हम क्लियर करते हैं। 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से विभाजित हों परंतु 12 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में 1 से 200 की बात कर रहा है, तो 8 से तो कटनी चाहिए लेकिन 12 से नहीं कटनी चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों का लस निकाल लेंगे, तो 8 और 12 का लस हो जाएगा 24, 8 और 12 का क्या हो जाएगा, लस 24 हो जाएगा। ठीक, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे अंतिम संख्या लेते हैं। किससे कटने की बात कर रहा है, 8 से, तो हम निकाल लेंगे कि 800 से कितनी संख्याएं कटेंगी, तो 200 में 8 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा। माइनस, हमें क्या करना है, माइनस कर देना है 24 से। अब निकाल लेना है 24 से कितनी संख्याएं इसमें कट रही हैं, तो 200 में हम क्या करेंगे, 24 से भाग दे लेंगे, इसके लस से भाग दे लेंगे, तो 8 से इसमें भाग देंगे। ध्यान दीजिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, 25 वटे 200 होता है माइनस 24 वटे होता है 192, तो ये भाग 8 बार जाएगी, 25 में से 8 घटा देंगे तो 15 में से 8 जाए 7, तो ये हो जाएगा 17। तो आशा करता हूँ कि कुल विभाजित संख्याओं के कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल